नंदीग्राम में हम जिस वक्त आए हुए हैं, यहाँ पर एक दिन पहले ममता बनर्जी की रैली थी और देखिए यहाँ पर आदमकद उनका कटआउट है। यहाँ पर चारों तरफ टीएमसी के हमको झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। पूरा जो नंदीग्राम में घुसते ही ऐसा लगता है कि पूरा माहौल यहाँ का पॉलिटिकल है। और इस बीच में देखिए TV9 बांग्ला यहाँ के अखबारों में एड, तो यहाँ पर हमें TV9 भी दिखाई पड़ गया, हमारा बांग्ला चैनल उसका अखबारों में यहाँ पर है। वर्तमान कैसा माहौल है, सब ठीक है यहाँ पर? ये दीदी की रैली थी यहाँ पर ना, मीटिंग छिलो, इसी में लगा है सब, मीटिंग थी छिलो है, हो गया। कैसा है माहौल? गोतोकाल कल हुआ है। इधर कौन, दीदी की दादा इधर दीदी कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ ठीक है। इधर दीदी की दादा ना, दीदी अच्छा क्लियर, दीदी है दादा, दीदी। देखिए पूरा नंदीग्राम की भी तस्वीर देखिए, यहाँ पर हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको और यहाँ का माहौल दिखाते जाएंगे। पूरा टीएमसी के पोस्टर से रंगा हुआ है ये, इनकी यहाँ की जो मेन मार्केट है। और शुभेंदु अधिकारी की रैली के जवाब में यहाँ पर ममता बनर्जी ने अपनी रैली की और लड़ने का यहाँ से ऐलान भी कर दिया। और देखिए जिधर भी तस्वीर जारी है, ममता बनर्जी की रैली तस्वीरें यहाँ दिख रही हैं, इसी समझ लीजिए कि स्टेक्स यहाँ पर कितने ऊंचे हैं, कितनी बड़ी लड़ाई है ये नंदीग्राम की। आप नंदीग्राम आए और थाने कचहरी की नौबत ना आए, ये कैसे हो सकता है? देखिए नंदीग्राम थाना है और यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमको ये मालूम पड़ा कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ झड़प हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ शिकायत करने आने वाले हैं, लेकिन अभी उन कार्यकर्ताओं ने हमको फोन करके बताया कि वो यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ आने में डर रहे हैं क्योंकि यहाँ टीएमसी कार्यकर्ता पहले से मौजूद हैं और उन्होंने हमको बुलाया है टाउन हॉल। आप देखिए ये सारी चीजें अचानक हो रही है, हम आए यहाँ, हमने संपर्क करना शुरू किया तो हमको बताया गया कि झड़प हुई, आप थाने आइए। अब वो थाने नहीं आ सकते, हमको टाउन हॉल बुला रहे हैं। नंदीग्राम में जो राजनीति है उसमें झड़प, हिंसा, मारपीट, यहाँ तक कि गोली भी चल चुकी है यहाँ पर, ये भी यहाँ की राजनीति में एक एक बराबर की धारा चलती है। और इसीलिए जब नंदीग्राम की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें बैकग्राउंड में चलती हैं। तो आइए टाउन हॉल चलते हैं। हम इस समय पहुंच चुके हैं टाउन क्लब नंदीग्राम के, बजरंगबली की मूर्ति यहाँ पर, बजरंगबली आराध्य हैं और देखिए जय श्री राम, यहाँ पर भगवान श्री राम की मूर्ति भी है। और यहीं पर हमको कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मिल रहे हैं। आपका आपसे मेरी फोन पर बात हुई थी तो आपने कहा था थाने आइए, आप लोग शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं, फिर आप थाने गए नहीं, क्या वजह है? थाने गया नहीं, मतलब वहाँ हमारा दो कार्यकर्ता को उनको पकड़ लिया कर रात को। अच्छा, तो टीएमसी वाले आके थाने में पेशाब दे रहा है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा केस लगे। अच्छा, एक्चुअली कल ममता बनर्जी का सभा हुआ था नंदीग्राम उतेखाली में, लेकिन हम लोग इस सभा में, हम लोग नंदीग्राम का आदमी है, हम लोग क्या देखे हैं तो बाहर से सब बाहर से लोग आया था नंदीग्राम का आदमी। आपके आदमियों को पकड़ क्यों लिया? पकड़ लिया इसलिए, देखिए हम लोग तो भाजपा का है, जितना कार्यकर्ता वो रास्ते में था तो लोकल कुछ टीएमसी का लीडर था, वो चुन चुन के वो दिखा रहा था कि ये बीजेपी करता है, तो बाहर का जो आदमी है उसमें थोड़ा गर्म कर दिया, वो उस लोग को मारपीट हुआ, आपस में हम मारपीट हुआ, इसलिए। दीदी की रैली के बाद की बात है, दीदी का सभा के बाद में ये मारपीट हुआ। तो कितने लोग पकड़े गए आपके? हमारा दो आदमी को पकड़ लिया है, लेकिन हमारा अभी 20 कार्यकर्ता है, हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी नंदीग्राम हॉस्पिटल है, महेशपुर हॉस्पिटल है, यहाँ रायपाड़ा हॉस्पिटल में 20 कार्यकर्ता हमारा। ये जो कल मारपीट हुई है उसमें 20 कार्यकर्ता आपका जख्मी है पूरा। अच्छा। आप यहीं के रहने वाले हैं दादा? यहीं के रहने वाले हैं अभी? नहीं, यहाँ के नहीं है आप? हिंदी बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है यहाँ पर? हाँ ठीक। इधर कौन, दीदी की दादा? दादा आप बताइए। है सर, दादा यस। तो दीदी का भीड़ का उधर काफी था दीदी की रैली में? नहीं, वो सर बाहर थे के लोग में, बाहर से लोग आए थे। हैं, बाहर से लोग आए थे। अच्छा सर, दादार अनुगामी हमारा, हमारे गोटा नंदीग्राम थाना ही हमारे दादार अनुगामी सर। दादा कितने वोट से यहाँ से जीतेंगे? सर कम पक्के 1,00,000 सर। 1,00,000 से? दीदी के लोग कह रहे हैं दीदी 3,00,000 से जीतेगी। नहीं, कौन दीदी की दादा? दादा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।